नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना सिटी से सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवान के पटना स्थित खुसरूपुर के घर में हथियार के बल पर डकैती की गई है। जी हां, हथियार के बल पर डकैती की गई, जहां पर लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। ये पूरा जो वाकया है ये रात के 1 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि रात के 1 बजे जो डकैत है वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, करीब 1 घंटे तक वो घर के अंदर रहते हैं और ऐसे में लाख रुपए नगद और 13 लाख के जेवर वो लूट लेते हैं। हथियार के बल पर जो महिलाओं के शरीर पर जेवर भी होते हैं उसे भी लूट कर ये डकैत लेकर जाते हैं। इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो सुनाते हैं। रात के 1 बजे के राउंड में 1 से 2:20 तक की घटना चली और सभी को, जितने भी 6 सदस्य थे, सभी को बंधक बना लिया और एक छोटी सी बच्ची है उसको भी उसके साथ भी मतलब उसको उठाकर धमकाया गया कि उसको ये कर देंगे वो कर देंगे और बंदूक के गन पे बलबूते थे और कुछ उसके हाथ में और हथियार थे उसके बलबूते सबको मतलब कि हमको गहना दे दो, हमको कैश दे दो और पूरा जितना भी सामान है सबको लूट के गहना के आइटम और कैश वगैरह सब लेकर चले गए और साथ में 2 फोन भी साथ में लेकर गए और हम लोग जितने भी 6 सदस्य थे सबको पैर बांध देकर हाथ बांध कर और मुँह पे भी बांध कर हम लोग को पूरा ये किया और मेरे साथ मारपीट भी किया। वो रात्रि करीब 2:30 बजे की है, सूचना मिली कि इस तरह की घटना घटी है घर में। तत्काल हम लोग गए हैं वहाँ और जा कर के देखे, पूछताछ किए तो हम लोग को दरवाजा बताया गया कि घर का दरवाजा का कुंडी उखाड़ करके घर में 10-12 की संख्या में लोग प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद सबको बंधक बना दिया गया और बंधक बनाने के बाद घर में जितना जेवर और पैसा था चोरों के द्वारा ले लिया गया। सर, ये चोरी का जो नेचर, या चोरी है या फिर वो डकैती से कहा जा सकता, क्या है सर? वो लोगों को बताया तो सर घटना डकैती की ही लग रही है जी। क्या कुछ कितना का नुकसान हुआ होगा सर? 10-12 लाख के आसपास लोग जैसा बता रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है घर वालों का। वही इस घटना पर पुलिस की दल बल जो है वो मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन लगातार कर रही है। बता दें कि डकैत घुसे थे और 1 घंटे तक वो घर के अंदर रहे और जितनी भी चीजें हैं उसे देखते रहे हैं। इसके बाद 1 लाख रुपए नगद और 13 लाख के जेवरात वो लूट करके ले गए हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।